तो गाइस आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PCP गेमिंग में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और ये है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का दूसरा पार्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। तो गाइस पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक घर बनाया था और थोड़े से वुडन के टूल्स बनाए थे। और आज की इस वाली वीडियो में मैं बेसिकली माइन के लिए जा रहा हूँ, और मुझे आयरन चाहिए माइन में से। आयरन, गोल्ड जो भी मिलता है वो सब मैं ढूंढूंगा कि मुझे कोई केव मिल जाए थोड़ी बड़ी सी। और जिस जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके देख लीजिए। और मैं पहले चेस्ट बनाऊँगा, ये रही चेस्ट की रेसिपी। आप फर्नेस कैसे बनाते हैं ना, वैसे ही फर्नेस में वो क्या बोलते हैं उससे, कॉबल स्टोन रखना होता है और चेस्ट में वुड रखना होता है। ओके, तो हमारी एक चेस्ट बन चुकी है और मैं दो प्रेशर प्लेट्स बना लेता हूँ। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले चेस्ट रखते हैं। और ये रहे प्रेशर प्लेट्स, इनके जाने से हम जैसे ही स्टेप प्रेशर प्लेट पे स्टेप करते हैं तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और मैं थोड़ी ये कर लेता हूँ, क्या वो कचरा जो भी है उसको इधर फेंक देता हूँ, मतलब कि चेस्ट में रख देता हूँ। और खाना मुझे चाहिए, ये सब डर्ट वगैरह नहीं चाहिए। वुड भी मैं संभाल के रख लेता हूँ क्योंकि आगे जाकर वुड का बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ओके, तो मैंने सब कुछ संभाल के रख दिया है। और मैं कोल ले लेता हूँ, इधर से मैं स्टिक्स ले लेता हूँ। ओके, तो मैं स्टिक्स क्या बोल रहा हूँ, मैं वुड ले लेता हूँ। और वुड के बाद मैं थोड़े और वुड लूँगा, फिर इन वुड से मैं बनाऊँगा प्लैंक्स, और प्लैंक्स को मैं ऊपर। ओके, तो मैं प्लैंक्स को नीचे, वुड को ऊपर रखूँगा, तो इधर से चारकोल बनेगा। इसकी रेसिपी मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता रखी थी, और रात भी होने वाली है। मैं थोड़ा आसपास घूम लेता हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं। ओके गाइस, यार मैं आसपास घूम के आ चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, रात भी होने वाली है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ज़ॉम्बी से फाइट लूँ। थोड़ा सा खाना खा लेते हैं क्योंकि हेल्थ कम है, मतलब कि हंगर बार कम है। और ज़ॉम्बीज तो नहीं दिख रहे मुझे, इधर जाके चेक करता हूँ। अबे यार, ज़ॉम्बीज इतनी जल्दी स्पॉन नहीं होंगे। और ये रहा एक छोटा सा रिवर, मैं अभी ऊपर चढ़ता हूँ फटाफट, रात होने वाली है। मैं फटाफट से खाना खा लेता हूँ, कुकड़ मटन, इससे हमारी हेल्थ बढ़ेगी, अपनी हेल्थ आदि है। ओके, तो मेरे पास अभी वुडन स्वॉर्ड है, मैं किसी का भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। ओके, तो ब्राइटनेस फुल है मेरी, यस। तो देखते हैं आगे क्या होता है, रात होने वाली है। ओ भाई साहब, ग्राफिक्स देखो इसके कितने बढ़िया है। बॉम्ब्स स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो इधर एक क्रीपर है, क्रीपर हमारे पास आके ब्लास्ट होता है, और इसको मैं पास बुलाऊंगा। मैं इसको मारने का तरीका आपको बताऊंगा, रुको एक सेकंड। ओके, जैसे इसको एक सॉर्ड मारो और पीछे चले जाओ, एक सॉर्ड मारो फिर पीछे। अबे यार, मेरे पीछे कुछ था इसलिए ब्लास्ट हो गया, वरना तो मैं इसको मार ही डालता। ये रहा एक और ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये हमें कुछ भी नहीं करते, मतलब कि अटैक करते हैं, इनसे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। और मैं थोड़े और मॉब से लड़ लेता हूँ, अगर ये सारे मॉब्स मिलकर मुझ पर हावी हुए तो मैं घर चले जाऊँगा। ओके ओके गाइस, यार तो मैं अपने घर आ चुका हूँ सारे मॉब्स को मार कर, और मैं फटाफट से सो जाता हूँ। ओके, तो सुबह हो चुकी है हमारी, और मैं पहला, ये देखो सारे ज़ॉम्बीज जल रहे हैं लेकिन ये क्रीपर नहीं जल रहा। ओके, मारो इसे। ओके, तो इसको मार दिया, और इस स्केलेटन वाले चाचा को मारो पहले, ये जल नहीं रहा क्योंकि इसने आर्मर पहन रखी है। ओके, इसको मार दिया, अब ये मकड़ी रानी को भी मारेंगे हम लोग। और अबे ये क्या था, अबे प्लोन अप, अबे यार क्रीपर मेरे बाजू में आके खड़ा हो गया और मुझको पता भी नहीं चला।
कोई नहीं, मेरा सारा सामान इधर ही रहा है तो मैं ले लेता हूँ फटाफट। फटाफट ले लो फटाफट। अबे यार नीचे क्यों गिर गया? कोई नहीं, मेरा सारा सामान आ चुका है, सोड़ को बाहर निकालता हूँ। और ये रहा उस क्या बोलते हैं उसे, स्केल्टन का मतलब कि चेस्ट प्लेट, लेदर का चेस्ट प्लेट। ओके, तो अभी मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले स्टोन की पिकैक्स बनाऊँगा, 3-4 पिकैक्स बनाऊँगा, और फिर एक सोड और सारी स्टोन की ये क्या बोलते हैं इसे टूल्स बनाएंगे। टूल्स को बनाने के बाद हम माइन के लिए निकल जाएंगे। ओके, तो मैं ये सारा पत्थर तोड़ देता हूँ, ये दो बच्चे इन दोनों को भी तोड़ देते हैं। ओके, तो अभी इनको फटाफट कलेक्ट करके मैं आगे बढ़ता हूँ और इन पत्थरों को भी तोड़ देता हूँ फटाफट से। ओके, तो ये पत्थर भी टूट रहे हैं। इन सारे पत्थरों को तोड़ने के बाद मैं बहुत सारे टूल्स बनाऊंगा। ओके, तो ये बाजू में जो आप देख पा रहे हैं ये ग्रेवल है, इनका यूज़ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ओके, तो मैंने इनफ क्या बोलते हैं इसे प्यार स्टोन, हाँ इसका नाम ही नहीं आता। ओके, तो स्टोन इनफ स्टोन हो चुका है। हम थोड़े से स्टिक्स लेके टूल्स बनाएंगे और हम थोड़े से चारकोल भी ले लेंगे, क्योंकि हम चारकोल से क्या बोल टॉर्च बना सकते हैं। ओके, तो हम पहले टॉर्च बनाएंगे, 22 टॉर्च बने, कोई नहीं हम और कोल ढूंढ के लाएंगे। ओके, तो मैं अभी मैं स्टिक्स बना लेता हूँ। ओके, 11 स्टिक्स बन चुके हैं। अभी इन स्टिक्स से मैं बनाऊँगा, अभी आयर स्टिक्स ड्रॉप क्यों हो जाती है, इन स्टिक से मैं बनाऊंगा आयरन के मतलब कि स्टोन के टूल्स। ओके, तो अभी मैं पहले तो वो बनाऊंगा मतलब एक्स बनाऊंगा, उसके बाद पिकैक्स। पिकैक्स में 3 बनाऊंगा, 3-4 पिकैक्स बनाएंगे, बहुत काम आती है पिकैक्स सारे स्टोन्स को तोड़ने में। और हमारे पास स्टिक्स ख़त्म हो चुके हैं, मैं एक सॉर्ड भी बना लेता हूँ अपने लिए। ओके, तो सॉर्ड भी बन चुका है, सब कुछ रेडी है, अब हमें बस निकलना है। ओके, तो मैं इन सारे पिकैक्स को इधर रख लेता हूँ और फिर सारा गो कचरा मैं एक सेकंड। ओके, तो मैं कहाँ था, अच्छा मैं सारा गो कचरा वो क्या बोलते हैं उसे चेस्ट में रखूँगा। अभी मैं फ़िलहाल कोल के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे और टॉर्चेस चाहिए। ओके गाइस, यार तो मैंने कोल कलेक्ट कर लिया है, अभी मैं फटाफट से अपने छोटे से घर के अंदर चलता हूँ और फिर मैं इन एक सेकंड रुको, मुझे थोड़ी सी वुड चाहिए स्टिक्स बनाने के लिए और स्टिक से मैं बनाऊँगा टॉर्च। ओके, तो मैं इनफ स्टिक्स बना लेता हूँ अपने लिए। अबे यार फर्नेस क्यों खोल दिया मैंने। ओके, क्राफ्टिंग टेबल खुल चुका है अभी ये। ओके, तो मैं ये 4-4 रख लिए है, काफ़ी सारे स्टिक्स बन सकते हैं हमारे। ओके, तो अभी मैं इनसे काफ़ी सारे टॉर्चेस बना लेता हूँ, 64x22 टॉर्चेस बन चुकी है हमारी। और मैं ये बाकी सारा गो कचरा इधर रख देता हूँ, और जैसा कि ये कोबलस्टोन वगैरह वगैरह। यार तो हमारा सारा सेटअप हो चुका है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि माइन किधर से स्टार्ट करूँ। ओके, तो मैं अपना माइन इधर से स्टार्ट करने वाला हूँ, ऐसे 1-2 ब्लॉक तोड़ो, फिर उसके बाद ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते जाना है। ओके, तो सीढ़ियों की तरह पहले 2 ब्लॉक तोड़ो फिर नीचे का 1 ब्लॉक, ऐसे ही हमें फुल स्पीड में काम करते हुए फुल नीचे जाना है डीप तक। ओके गाइस, यार तो मैं बहुत सारा तोड़ने के बाद बहुत सारे स्टोन तोड़ने के बाद फाइनली हमें मिल चुकी है आयरन। हम फटाफट से इस आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं, टोटल मेरे ख्याल से 1-2-3-4 ओके, तो टोटल 8 ब्लॉक है।
हम इन सारे ब्लॉक्स को फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास 5 ब्लॉक कलेक्ट हुए हैं। ओके, तो मैं सारे ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो सारे ब्लॉक्स कलेक्ट हो चुके हैं। अभी इनकी जगह मैं कोबलस्टोन लगा लेता हूँ। ओके, तो अभी मैं आगे करता हूँ, मतलब कि मैं आगे खोदता हुआ चलता हूँ। ओके, और ये 1, 2, 3। अबे अरे क्या हो गया। ओके गाइस, यार तो मैं फिर से जैसे तैसे करके स्केव में आ चुका हूँ और नीचे थोड़ा सा रेडस्टोन है। अबे यार, लेकिन मेरे पास स्टोन की पिकैक्स है सिट यार, क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं लाया मैं। अबे यार, वुड और क्राफ्टिंग टेबल कैरी करना चाहिए था सिट यार। कोई नहीं, मैं इसे अगली बार आके तोड़ दूंगा। अभी सोचना ये है कि ऊपर कैसे जाए। नीचे तो मैं जैसे तैसे करके आ गया ने के लिए। ओके, तो ऊपर जाने के लिए हमें बहुत सारा स्टोन लगता है, वो है सब गोल्ड। तो मैं स्टोन इधर से ही कलेक्ट करके ऊपर चला जाऊंगा, तब तक थोड़ा सा क्यों एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके, नीचे पानी है हमारे नीचे, तो हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। इधर भी बहुत सारा पानी है, रेड स्टोन है इधर, तो हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं क्यों को। इधर भी एक टॉर्च लगाया, हर तरफ पानी है। ओ भाई, सब गोल्ड है इधर। ओ भाई, मजे आ गए हमारे तो। ओके, तो हम थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट मतलब पानी में छलांग लगाते हैं। ओ भाई साहब, कितना ऊपर। और अभी हम फुल स्पीड में नीचे जाएंगे और नीचे क्यों रहा है। ओके, तो अभी हम नीचे आ रहे हैं और ये ओके, तो हम नीचे आ चुके हैं। तो ओके गाइस, यार इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को फुल स्पीड में जाके सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।